तो हेलो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में हम लेके आ चुके हैं एक मिनी स्पोर्ट मशीन। तो दोस्तों, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप इसे घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम एक ब्लेड ले लेते हैं और इस पर प्रेस करते हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये हीट हो जा रही है और बहुत ही हाई आरपीएम है इसका। तो दोस्तों, ये पूरा जल चुका है। किस तरह से एक लिथियम आयरन सेल से आप घर बैठे स्पोर्ट मशीन बना सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके लिए हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वायर को हम बीच में से कट कर लेंगे प्लायर की सहायता से। इस तरह से हम दो पीस हम कट करेंगे वायर के। इस तरह से हमने वायर को चील दिया है। चील देने के बाद आप देख सकते हैं, इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं रेड वाले वायर से। अच्छे से कनेक्ट कर देंगे और टैप लगा देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। और दोस्तों, ध्यान रखें कि ये बहुत ही हाई एम्प्स का है सेल, और इससे हाथ जलने का भी खतरा हो सकता है, तो बड़े सावधानी से ये काम कीजिए। तो एक हम ब्लेड लेंगे, इस तरह की ब्लेड ले लेंगे हम, और इसके बीच हम टैप लगा देंगे। इस दोनों वायर को हमने टैप लगा दिया है बहुत ही अच्छे से, तो बहुत ही ध्यान से आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पोर्ट मशीन को हम मोड़ देते हैं इस वायर को। इस तरह से वायर को हमने मोड़ दिया है और कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो दोस्तों, फाइनली अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। तो इसके टच करने पर बहुत ही हाई पावर आता है, इसमें बहुत ही गर्म हो जाता है। दोस्तों, इसका एम्पियर बहुत ही हाई है। तो हम एक सेल, लिथियम आयन सेल और कुछ ब्लेड को पंच करेंगे, क्या ये जुड़ती है या नहीं जुड़ती, हम इसे देखेंगे। तो आप भी कुछ भी इसे चिपका सकते हैं, लोहे की चीज़ें। इन दोनों ब्लेड को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस तरह से टच करने पर ये बहुत ही गर्म हो रही है और ये पूरा गर्म हो चुका है दोस्तों। कुछ इस तरह से टच करने पर बहुत ही गर्म होता है ये, और ये चिपक चुका है। इससे हम इसको बाहर निकाल देंगे। एक हम ब्लेड लेंगे और इस वाले ब्लेड को हम इस से कनेक्ट कर देते हैं जिससे बहुत ही आसानी से स्पोर्ट हो सके, किसी भी चीज़ को हम चिपका सकते हैं। और ये घर पर आप भी बना सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, और किसी भी चीज़ को आप इससे स्पोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको चिपकाते हैं, क्या ये चिपकता है या नहीं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो हम दो ब्लेड लेंगे, इस तरह की दोनों ब्लेडों को हम आपस में रख देंगे। रख देने के बाद फिर हम इसको स्पोर्ट करते हैं। तो इसको हम स्पंज करते हैं, तो ये बहुत ही हीट हो रही है और पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो चुका है, पूरा जल रहा है ये। अभी ये स्पोर्ट नहीं हुई तो इससे ये काम नहीं चलेगा, तो हम दूसरा उपाय ट्राई करते हैं। ये पूरी स्पोर्ट हो जा रही है। तो दोस्तों, हमारी एक स्पोर्ट मशीन को कुछ इस तरह से चिपका लेते हैं। हमने इसको पूरा चिपका लिया है और कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई दे रही है। तो हमने टैप लगाकर इसको हम चिपका देंगे, और इस पे हमने कुछ मेटल का भी लगाया है जिससे स्पोर्ट हो सके बड़ा आसानी से, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इस वायर को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही गर्म होगा और स्पोर्ट हो जाएगा बड़े आसानी से। किसी भी चीज़ को आप बड़े आसानी से चिपका सकते हैं। तो हम इस वाले ब्लेड को चिपकाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है और इसका एम्पियर बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये। तो बहुत ही सावधानी से ये काम कीजिए।
तो पूरा ये ब्लैक ब्लैक हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही गर्म हो चुका है ये ब्लेड। तो हम दो ब्लेड लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, दो पीस में हमने कट कर लिया है। तो इसको हम आपस में जॉइंट करेंगे, इससे क्या ये जॉइंट होगा या नहीं। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए। तो जल्दी से इसको हम दबाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ये पूरा गर्म हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनली ब्लेड चिपक चुकी थी, फिर से निकल गई, तो इसको दोबारा हम चिपकाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये आप घर पे स्पोर्ट मशीन बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप बड़े आसानी से स्पोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक लिए।